क्या फिल्म पठान में फिर से आने वाली है शाहरुख और दीपिका की जोड़ी एक साथ नजर। दोनों ने और किन फिल्मों में एक साथ काम किया है? बॉलीग्रेड स्टूडियोज में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम फिल्म पठान और दीपिका और शाहरुख स्टारर फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग और अनजान खबरों के बारे में बात करेंगे। 2 साल के ब्रेक के बाद शाहरुख खान ने अपनी अगली फिल्म पठान की अनाउंसमेंट कर दी है और फिल्म की लीड एक्ट्रेस भी फाइनलाइज हो चुकी है, जो और कोई नहीं की दीपिका पादुकोण है। बता दे कि ये पहली बार नहीं है जब दीपिका शाहरुख के ऑपोजिट नजर आएंगी। इससे पहले भी दोनों ने फिल्म ओम शांति ओम और हैप्पी न्यू ईयर में साथ स्क्रीन शेयर कर चुके हैं। साल 2007 में आई शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म ओम शांति ओम एक बड़ी हिट साबित हुई थी। फिल्म की निर्माता निर्देशक फराह खान के मुताबिक उन्होंने फिल्म की कहानी अपनी एक डायरी में लिखना तभी से शुरू कर दिया था जब वो फिल्म बॉम्बे ड्रीम्स के लिए कोरियो ग्राफी कर रही थी। फिल्म के बारे में कई ऐसी दिलचस्प बातें हैं जो लोग नहीं जानते हैं, तो आइए आपको बताते हैं फिल्म से जुड़ी कुछ ऐसी ही दिलचस्प बातें। बिना किसी डायलॉग्स के लिखा गया फिल्म का पहला ड्राफ्ट महज 2 ही हफ्तों में पूरा कर लिया गया था। फराह खान ये अब तक की सबसे आसान स्क्रिप्ट थी जो उन्होंने लिखी। फिल्म में एक सीन है जहाँ ओम शांति प्रिया को आग से बचाता है। इस सीन का आइडिया फिल्म मदर इंडिया से लिया गया था, जिसमें सुनील दत्त साहब नरगिस को आग से बचाते हैं। फिल्म में एक सीन है जहां एक्टर शेर से लड़ रहा है। इस सीन में नकली शेर का इस्तेमाल किया गया था और ये आइडिया फराह को उनके भाई साजिद खान ने दिया था, और शेर को नॉटी पुस्सी कहकर चिल्लाने का आइडिया खुद शाहरुख खान का था। फिल्म में दीपिका पादुकोण का किरदार 1970 में आई हेमा मालिनी की फिल्म ड्रीम गर्ल से लिया गया था। यही वजह थी कि फिल्म में जिस फिल्म की शूटिंग में दीपिका काम करती थी उसका नाम ड्रीमी गर्ल रखा गया। फिल्म में अर्जुन रामपाल ने अपना रोल करने से मना कर दिया था क्योंकि उन्हें लगा कि उनका किरदार कुछ ज्यादा ही बुरा है। हालांकि बाद में शाहरुख द्वारा समझाए जाने के बाद वो मान गए। शाहरुख खान ने बाथरूम में बैठकर अर्जुन रामपाल को इस रोल के लिए मनाया था। क्या आप जानते हैं कि अर्जुन रामपाल के चेहरे पर मूछे लगाने का विचार भी खुद किंग खान ने फराह को दिया था? तो दोस्तों, कितनी पसंद है आपको शाहरुख और दीपिका की जोड़ी और कितने एक्साइटेड है आप उनकी जोड़ी को फिर से फिल्म पठान में देखने के लिए? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।